आज हम जा रहे हैं यात्रा पर। आवाज तो बाद में जोड़ सकता है और नहीं, निकल दिए हैं घर से। अब ब्लॉग बनाने का ध्यान ही, वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा। घर जब तैयार हो गए और गाड़ी में बैठ के ध्यान आया कि ब्लॉग भी बनाना है। अब चल दिए हैं अपने गांव से बाहर, निकल चुके हैं। अब दिखाएंगे आगे कहाँ जा रहे हैं और बाद में बताएंगे अभी कि जा कहाँ रहे हैं। आज हम घूमने लंबे टूर पर जा रहे हैं, लगभग 300-400 किलोमीटर का टूर है। गाड़ी में डल रहा है डीजल। घर से हम चलेंगे भाई, यहाँ से 5 मिनट पहले। क्यों मुगल? अरे यार वो भगवान कृष्ण का और साक्षात दिल धड़कने। हाईवे बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। आ गए हैं हम टोल प्लाजा पर, नगीना टोल प्लाजा। और इसके बाद पीछे पड़ जाएगी, ये नहीं लेके गए इधर। अरे जो भी है बहुत पीछे पड़ जाएगी, रोटी नहीं मिलेगी फिर। जिंदगी खाना खाना है तो बोल ले, कुछ भी बोल ले, क्या फायदा तेरे बोलने का। एडिट में काट देगा। ना एडिट नहीं करते, बिना एडिटिंग के ब्लॉग बनाने वाले आदमी हम। ना एडिट करने आवे हम, ना कुछ आवे हम, नहीं है एडिटर भाई, हम तो ऐसे ही बना देते हैं ब्लॉग। रो ब्लॉग देखो कहाँ तक जाते हैं आज घूमने। कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। सो चल रही है? हाँ तो सो तो बहुत है, सो तो तेज है। कहाँ है तुलाराम रेस्टोरेंट? तुलाराम फूड प्लाजा, बहुत अच्छे रसगुल्ले, नगीना के प्रसिद्ध रसगुल्ले। यहाँ दूर दूर तक लोग रसगुल्ले खाने आते हैं, जिसे बोलते हैं गुलाब जामुन। प्रसिद्ध गुलाब जामुन बनाते हैं तुलाराम। आ गए हैं अब गांव नंदपुर कला, जो हमारी ससुराल पड़ती है इस गांव की। आ गए हैं अपनी ससुराल में, देखो ये है रास्ता। खड़ी कर दी हमने गाड़ी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। वो ससुराल में आके आते ही खाया खाना, 2 मिनट भी नहीं हुई खाना तैयार था, बस ऐसे खा के निकल जाएंगे। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, बस पहले खा ले। मैं ये खा रहे, देखो दो आदमी ये खा रहे, एक आदमी ये खा रहा, चारों खा रहे हैं। इधर बनना आया खाना भैया। अब हम यहाँ से चल दिए हैं जी। तो हमने लैपटॉप में कुछ काम करता हुआ, अंदर तो जवान खुली नहीं। ताई जी नमस्ते, टाटा बाय बाय सभी को, टाटा बाय बाय करते हुए। अबे अगर तूने फोन ज्यादा चलाया रास्ते में बाहर बैठा दूंगा। गाड़ी का एक टायर ज्यादा पंचर करा था, इसलिए महिंद्रा MRF की एजेंसी पर टायर ना मिला। इस पर टायर नहीं मिला है, फिर दूसरे शोरूम पे जाएंगे। यार शोरूम खोल रखा महिंद्रा का, यार टायर नहीं मिला, बताओ। गाड़ी निकल चुकी है नजीबाबाद से आगे। अब नजीबाबाद से कोटद्वार रोड पर सामने पहुंच जाएंगे। और सुबह से अभी तक 50 किलोमीटर खुल आए हैं, इस हिसाब से तो 2 दिन में तो पहुंचेंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं। जहाँ हमारी करेक्ट लोकेशन है ना, पहुंच जाओगे 2 दिन में कैसे भाई? कल को पहुंच जाएंगे। यहाँ से शुरू हो गया पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से हमने सामान खरीदा है, पानी वानी की बोतलें और थोड़ा जूस पिया है। और अब यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं। ये लग रहा है बोर्ड, बोली 105 किलोमीटर। वाह भाई कहाँ जा रही है, उधर डूब जा के नदी में। यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र शुरू हो चुका है, अब आगे दिखाएंगे आपको पर्वतीय क्षेत्र के नजारे। ये पर्वतीय नजारों का लुक है भी गाड़ी, ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत। चलो जोर से लो, ऐसा मत कर पहाड़ों में जा। तो यार ये तो जाम बहुत तगड़ा दिखे है। जाम लंबा दिखे, मालूम पड़ लिया।
अल्ट्रोल है वाली। जाम तो बहुत है मामला यहाँ। बाबा का हलवा बहुत अच्छा लगा है। तुमने ना तुम आए ना कभी मंदिर पे तो खाए ना हलवा हलवा सर। अपने नाम से बना रखा मुझको ना देखा सब्सक्राइब या रखा तुमने मेरा भी सब्सक्राइब ना कर रखा होगा। तुम बताओगे जब लिंक भेजोगे कभी रिव्यू तो करूंगा। ऐसा लिंक नहीं भेजते पता भी तो नाम मुझे गंभीर रास्ते जा रहे हैं जिसमें परेशानी हो दुर्लभ नजारा भैया। अब हम आ गए हैं दुर्गम पहाड़ की वादियों में। क्या सुंदर नजारा है बहुत ही अद्भुत और सुंदर नजारा पहाड़ पर्वत की चोटियों में भैया। हमें तो कभी कभी देखने को मिलता है ऐसा नजारा पर्वत की चोटियों पाने का क्योंकि हम तो प्लेन के रहने वाले हैं। बाकी आते रहते हैं साल छह महीने में नीचे से कहां आ गए हम भैया जी। तू हंस से भी खतरनाक है। वो गाँव है कोई यार सुंदर नजारा है। वाह भाई वाह लोकेशन देखते रहिए भाई। भैया कहाँ लो व्लॉग बना रहे कहाँ लो वीडियो बना रहे दुर्लभ ही ऐसा नजारा है। कहाँ लो कैप्चर करेंगे भैया 10 सेकंड का भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। मनी ऐसा कर दिया कैमरे ही मत करो। देखो इधर देखो क्या नजारा भूख लगने लग पड़ी थी रास्ते में या खाने पीने को कोई जगह मिल नहीं रही थी। एक छोटा सा ढाबा मिला है अच्छा है दाल चावल मिल रहे हैं यहाँ पर खाएंगे दाल चावल। अब से कमल दाल चावल खाएगा भाई तू भी। हाँ, मैं भी खाऊंगा हम भी खाऊंगा। चलो 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 निकल बाओ किसी प्रॉपर्टी होगी लाइव तो चल ही रहा है। बनाने यहाँ आग लग गई है क्या यार।
ये धारा देवी टेंपल। कितना सुंदर बना हुआ पर। ये पॉइंट है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पर मैच मिलती है, अभी आपको दिखाऊंगा अलग अलग पहाड़ पर जाकर। अलग अलग अलकनंदा बोल रहे मीन क्या है अलकनंदा? आप पल्ली वाली ग्रीन वाली मंदाकिनी मजा आ रहा है पहाड़ों में। आप कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत मजा आया भाई साहब, इतना मजा तो कभी आया नहीं सच्ची भाई साहब, इतना बढ़िया दृश्य है। 9:30 बज चुके हैं, हम आ गए हैं, रूम ले लिया है हमने सोनपुर याक से थोड़ा सा पहले। सुबह निकलेंगे यहाँ से लगभग 4 बजे उठकर और पहुँचेंगे सोनपुर याक से पहुँचेंगे गोरीकुंड, फिर उसके बाद जाएंगे पैदल यात्रा होगी केदारनाथ जी के लिए। अब सोते हैं, टाटा बाय बाय, अब दिखाएंगे सुबह अपना ब्लॉग बनाते, ये भी अपना अलग ब्लॉग बनाते हुए, अब वो अपना उधर वीडियो देखते हुए, ये 2 बंदे अपना इधर मजे लेते हुए, पूरे 5 बंदे हैं फुल मस्ती फुल मौज लेते हुए रूम के अंदर। रात में यहाँ पे हम पार्क में टहलते हुए खाना खाने के बाद, ये रिसोर्ट वालों का होटल वालों का ही पार्क है। दोस्तों उठना था 4 बजे, उठे हैं 7 बजे, अब दिखाता हूँ आपको सुबह सुबह का नजारा। ये उधर बर्फ वाले पहाड़ चमक रहे होंगे, बर्फीले पहाड़ ये देखो। यहाँ पर आकर रुके हैं चाय पीने के लिए, बहुत सुंदर नज़ारा है। ये अलकनंदा नदी बहती हुई रफ्तार में बह रही है, पानी थोड़ा कम है, लेकिन ये सूर्य देवता के दर्शन होते हुए बादलों के बीच से निकलते हुए पहाड़ों के बीच से, ये देखिए कैसा नज़ारा है। चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और इधर चाय आती हुई हमारी, ये आ गई है चाय, हमारे बंदे चाय पीते हुए। ये भैया मेरी चाय की प्याली भी पी गई क्या? लाओ, ब्रेड का पैकेट भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं, हल्का ही खाना खा लो। यहाँ पंप पे रोकी है गाड़ी, तेल तो गाड़ी में वैसे आधी टंकी से ऊपर ही है, फिर भी डलवा लेते हैं। दुर्लभ रास्ता, वहीं लाइट चलाइयो, अगर चल गई तो ये वीडियो तो बनानी है पहाड़ों पे, बर्फ के पहाड़ों बना गया वीडियो में दिखा। साइड पे बहुत ज्यादा ऊंचाई गए थे, बादल भी नीचे चले गए। होटल में अंगूठी वगैरह रह गई है, अब लौटते हुए देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। ये होटल तो नहीं मिलेगा, ये हेलीकॉप्टर पूरा टोला आता हुआ ये दिखाई दे रहा हो तो ये
ये जा रहा हूँ धनोल्ला थी। अब शुरू हो गई है हमारी पैदल यात्रा। अब यहाँ से पैदल ही जाना है 22 किलोमीटर चढ़ाई है भैया। अभी से 1 किलोमीटर भी चढ़े हैं, सांस फूलने लगी है अभी से ही। अब 22 किलोमीटर कैसे चला जाएगा, बहुत कर रहा काम लग रहा भाई मुझे तो। और ये हमारे दो तीन आगे जो सबसे सफेद मोटा बंदा जा रहा, इसका तो इंजन सीज ना हो जाए कहीं। और एक मोटे आदमी मेरे साथ हैं, इनका भी इंजन सीज होने की पूरी संभावना मुझे लग रही है। और भैया मेरी भी कोई गारंटी नहीं, मेरा इंजन भी चौक हो सकता है। नीचे देखिए नदी बहती हुई, बहुत तेज बहाव है। शानदार नज़ारा, बहुत ही शानदार। ऊंचे ऊंचे पर्वत देखिए, कितनी ऊंचाई के हैं, देखिए बहुत ऊंचे। अब क्या वीडियो में क्या इतना क्लियरिटी नहीं आ पाती है, इतना वो नहीं दिखता, बाकी इतनी ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा हाइट के पर्वत हैं। अभी चढ़े हैं हम लगभग 3-4 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। इन घोड़ों वालों ने परेशान करके रखा हुआ है, घोड़ों का बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, घोड़ों ने ज़्यादा मामला खराब कर रखा है, चलने नहीं दे रहे घोड़े वाले। मैं तो ये कहता हूँ जवान जवान बंदे घोड़े पे बैठे हो जा रहे हैं यार, आते क्यों हो यार, तुमसे नहीं चला जा रहे तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ भाई। जवान 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 पट्टे आदमी घोड़िया पे बैठे चले जा रहे हैं, घोड़ी का दम निकाल ले मत आओ भाई, कोई फायदा नहीं आने। तो क्या फायदा है ये जवानी का तुम्हारी। ये सीन बन गया, ये बारिश पड़ने लगी है रास्ते में, रेनकोट पहनना पड़ा पन्नी है, बड़ा मामला खराब हो गया। हाँ भाई ठंडी है और रास्ते में भी थोड़ी फिसलन बन गई है। हाय भैया, अचानक ही रास्ते में बारिश आ गई और हमें पहनने पड़ गई है रेनकोट। ये पीले वाले रेनकोट पहन के तीन बंदे जो हमारे जा रहे हैं, वो मैंने ही पहन रखा है और ये भी आ रहे हैं। तो भैया रास्ते में देखो फिसलन सी बन गई है, चलना बड़ा दुभर हो रहा है, बहुत मामला खराब है। बाबा जी कृपा कर रहे हैं तो चल पा रहे हैं, ना तो कहाँ चल पा रहे हैं साधारण। भैया मोबाइल की बैटरी हो गई लो, 10% रह गई है। अब आगे पता नहीं वीडियो बना पाए या ना बन पाए, कह नहीं सकते कुछ। अगर आगे चार्जिंग की सुविधा मिली तो ज़रूर बनाएंगे। बाकी सांस खुली हुई है, बोलना भी कठिन हो रहा है भाई मुझे तो। वो देखो हाँ, जितनी बैटरी बची बना लेंगे। देखो बहुत ज़्यादा उड़न खटोला उसका, इसमें ना चमक दिया, पर वैसे दिख गया दिख गया उड़न खटोला हो रही है। तो भाई गहराई दिखा देता हूँ तुम्हें, इधर कितनी गहराई है कोई पता ही ना, सीमा ही ना भैया गहराई की। तो भैया गहराई की तो कोई सीमा ही ना, कितनी गहराई है कोई सीमा नहीं, कुछ पता नहीं कितना गहरा है, कुछ पता नहीं कितना गहरा है। ये नीचे देखिए इस गड्डी से नदी बहती हुई, देखिए ओ क्या बहती है, ये दिखाता हूँ आगे से क्या नज़ारा है। देखिए आवाज़ देखिए कितनी तेज है। हाँ यार और क्या, देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। वीडियो बना ले, बना रहा हूँ मैं तो, ब्लॉग के लिए बना रहा हूँ मेरे लिए बनाते।
क्या सुंदर नज़ारा है देखिए, ये क्या स्पीड है पानी की, वाह जी वाह क्या नज़ारा है, ओहो मज़ा आ गया नज़ारा देख के, वाह जी देखिए क्या नज़ारा है, इधर भी दिखाता हूँ नदी के, भैया पहुंचने वाले हैं बस बाबा के धाम में, 1 किलोमीटर की दूरी और बची है, बाकी थक के पूरी तरह चूर हो चुके हैं। देखिए सुंदर पर्वतमालाएं, इधर देखिए चारों तरफ, देखिए ये जाते हुए हमारे आदमी एक हेमराज सिंह, जितेंद्र कुमार, हेमंत सिंह, कमल कुमार, ये पर्वत मांग रहा दुकान पर थी, दुकान पर थी या दुकान पर, दुकान पर बोलेगे ना मिस्त्री, दुकान पर अरे दुकान पर थी दुकान, क्या शानदार नजारा, वाह जी वाह क्या शानदार नजारा, उधर जो पहाड़ है उन पर बारिश पड़ रही है अभी भी, बारिश पड़ रही है यहाँ भी हल्की हल्की तो बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, ये कितनी बर्फबारी, तगड़ी बर्फबारी होती हुई, देखिए बर्फबारी होती हुई, ये कितनी बर्फ जमा हो गई है अभी अभी भी, मजा आ गया भाई बहन, जब पूरा पूरा स्नो फॉल देख लिया आज तो, देख लिया मेरे देने कितनी हट्टी हो गई, ज्यादा देर में ज्यादा देर में कितनी बर्फबारी हट्टी हो गई, ये मुकुल कुमार उठाते हुए, ये गोला बना दिया भाई मुकुल ने, गोला बना दिया, कौन कह रहा क्या कह रहे, वाह शाबा इधर इधर मेरी तो बनाओ, मेरी तो बनाओ, देखो ये बर्फ है, बर्फ का गोला इस पर रंगे इतना पड़ेगा, ये तो मुकुल का देख फिर धार ले, मुझे कैमरे से ले ले ए देखिए ठंडी ठंडी बर्फ पड़ती हो, ओ ये क्या बना दिया तुमने ये देखो कितने अच्छे बर्फ पड़ती हुई अरे
बढ़िया बन गई वीडियो गजब बड़ा बहुत तगड़ी पड़ गई। तुमने पकिया क्यों थी? मैं खा लेता हूँ। पूरा मोबाइल गीला हो गया भैया बर्फ में। चलो चलो चलो, मजा आ गया। ऊपर वाले इस बर्फ को देखो।